हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लॉकडाउन के बीच एक तस्वीर चंडीगढ़ से भी आई है। यहाँ रात के अंधेरे में लोग अपने परिवारों को लेकर चंडीगढ़ से पैदल ही यूपी की ओर निकल पड़े। देखिए एबीपी न्यूज के कार्यकारी संपादक जगविंदर पटियाल की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चंडीगढ़ बाबुओं का शहर माना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार से बहुत सारे लोग यहाँ पर रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं। कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते चंडीगढ़ में भी कर्फ्यू है और यहाँ भी जो रोज कमाकर खाने वाले थे उनको अब दिक्कत होने लगी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पर और मेरे साथ ये लाइन लगी हुई है। देखिए ये सब वो लोग हैं जो यहाँ कामकाज की तलाश में आए थे, लेकिन अब लौट रहे हैं अपने गांव वापस। कुछ परिवार के साथ हैं, कुछ बच्चों के साथ भी हैं। जितना सामान बन पड़ा वो लेकर निकल लिए हैं अपनी अपनी रेहड़ी रिक्शा पर। यहाँ कहाँ रहते थे आप? सर बापूधाम रहते थे। मंडी बंद कर दी, डंडे फेर रही है पुलिस, क्या करें सर? अब बताओ कोई सहारा नहीं, यहाँ पे खाएंगे क्या? अब तो मान लो किराए वाला सर किराए देंगे, मांगेंगे तो कहाँ से देंगे? कुछ भी खाने पीने का साधन नहीं है, क्या करें? कितने लोग हैं आपके साथ पूरे? सर 43 लोग हैं सर। आप कहाँ से? उत्तर प्रदेश मुरादाबाद। मुरादाबाद यहाँ से जाने में कितना टाइम लगता है? लग जाएंगे 30 घंटे लगभग। बच्चों को खाना खिलाया आज? खाना खिलाया था, माला मोटा जो था हमारे पास वो खिलाया, घर से खिला दिया। यहाँ पे चने रखिए, ये खिला देंगे रात में। रास्ते में इनको खिलाने के लिए कुछ है? चने दे दिए किसी ने, पुलिस वाले ने, यही खिला देंगे। तो वो चने पूरे हो जाएंगे जब तक मुरादाबाद पहुँचोगे इससे? अब देखेंगे क्या होते। और देखिए ऐसी स्थिति में जब लॉकडाउन है तो चंडीगढ़ से भी पलायन की ये तस्वीरें वाकई में चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि इससे जो लॉकडाउन का मकसद है वो धराशायी हो जाएगा कि अभी आप जहां हैं वहीं रहिए। ये अपील लगातार एबीपी न्यूज कर रहा है। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।